हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं में बालों को लंबा करने का बहुत ही चलन है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं बाल बढ़ाने के लिए उपाय अजमाती हैं। कुछ लड़कियां बाल लंबे करने के घरेलू उपाय अजमाती हैं, लेकिन क्या आपको तेजी से बाल बढ़ाने का तरीका पता है? कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके पास बाल लंबे करने की अचूक विधि है। आपने कभी सोचा है कौन सा तरीका बालों को आसानी से बढ़ा सकता है? तो चलिए, अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको बालों को लंबा करने का आसान व प्राकृतिक तरीका व टिप्स बता रहे हैं। बाल बढ़ाने के उपायों में यह सबसे आसान तरीका है। आपको इस हेयर केयर टिप्स में कुछ ज्यादा नहीं करना, डेली यूज वाले शैम्पू में कुछ चीजों को मिलाना है। आइए जानते हैं वो स्पेशल आयुर्वेदिक हेयर केयर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो अपने शैम्पू में मिला सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले खाली कटोरी लेनी है, और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है आपका डेली यूज करने वाला शैम्पू। जो भी शैम्पू आप डेली यूज करते हैं वही शैम्पू आप यहाँ पर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया हुआ है, तो मैं इसमें क्लिनिक प्लस शैम्पू को काट के इसमें जो है ऐड कर दूंगा। आपको जो पूरा शैम्पू इसमें खाली कटोरी में निकाल लेना है। अब इसके बाद दोस्तों, अगली चीज जो आपको लेनी है वो है दोस्तों एक अंडा। आपको एक अंडा लेना है और उसका पीला वाला भाग आपको अलग कर देना है। आपको जो सफेद वाले भाग को लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडे के सफेद भाग को लिया हुआ है। एक अंडे के सफेद भाग को आपको इसमें ऐड कर लेना है इस तरीके से दोस्तों। फिर दोस्तों, इसके बाद में आपको अगली चीज जो लेनी है वो दोस्तों तेल। आपको जो है यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। दोस्तों, आपको इसमें 1 चम्मच के बराबर नारियल का तेल ऐड कर लेना है इस तरीके से दोस्तों। दोस्तों, नारियल का तेल हमने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि नारियल का तेल फैटी एसिड और फॉलिक एसिड से भरा होता है, जो बालों को टूटने से रोकता है और इस प्रकार इन्हें बढ़ने में सहायता करता है। नारियल का तेल बालों की जड़ों में समा जाता है, जिससे ये न केवल उन्हें भीतर से मॉइस्चराइज करने के लिए बल्कि उन्हें गर्मी और पर्यावरण क्षति से बचाने का काम करता है। नारियल का तेल शैम्पू के साथ मिलाकर लगाने से रक्तचाप को सुधारा जा सकता है, जिससे बालों की विकास दर बढ़ जाती है। इस अद्भुत तेल में विटामिन ई, विटामिन के और आयरन होता है, और यह एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुणों के कब्जे में भी है, जो जू और डेंडर के खिलाफ सुरक्षा करता है। आपके बालों की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से तीनों चीजें लेकर अब आपको इसे जो अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। साथ ही हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अंडे में मौजूद विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। यह आपके बाल बढ़ने की दर पर प्रभाव डालता है। यह बालों की जड़ों की सफाई करके रोम छिद्रों खोलता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों, इसे जो लगाने का तरीका वो दोस्तों ये, आप नहाने से आधे घंटे पहले इस चीज को लेकर अपने बालों की जड़ों में इसकी अच्छे से मालिश करें। मालिश करने के बाद में आपको इसे 15 मिनट के लिए बालों में लगा हुआ छोड़ देना है। फिर आपको दोस्तों पानी की मदद से अपने बालों को धोकर साफ कर लेना है। इस उपाय को हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बाल काफी तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे, साथ ही आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। हम आपके लिए फिर लाएंगे चैसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।